फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ टेक क्लब। आई एम सी केशव छाबड़ा और हम जो है इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर। तो चलो आओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट 40 मार्क्स जीएसटी का सिलेबस अपलोड होने वाला है बहुत जल्दी। और अभी तक ऑलमोस्ट चैप्टर 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है सर, तो मैं आपको बता देता हूं जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं कि हम जो है अपने नोट्स जो है ये मैंने बनाए हुए हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। और हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किया था, और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स स्टार्ट करते हैं, क्या होगा इसमें। इसमें जो है हम एट द एंड ये समरी पढ़ेंगे कि जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे 18 से लेकर 21 तक, तो उन एंट्रीज में जो है किस किस तरीके की एग्जम्पशन प्रोवाइड करी गई है। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं अपने इस आज के लेक्चर की। ठीक है सर, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, क्या डिस्कस किया था सर, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो चाहे गुड्स हो, तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो वो कौन से 4 मीडियम से होगा, एयर, रेल, वाटर एंड लैंड। तो चलो आओ उसी वे में हम बनाते चलते हैं समरी, यहां पे डिस्कस करते चले गए कि क्या हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है सर, अब ये हो रहा है बाय लैंड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर 4 मोड्स हो रहा है, देर आर 4 मोड्स विच वी हैड डिस्कस्ड। द फर्स्ट वन इज एयर, सेकेंड वॉटर या तो हवा या पानी, थर्ड रेल एंड फोर्थ इज अदर्स। अदर्स में हमारे कौन से आगे, लैंड। ठीक है सर, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एंट्री नंबर 18। हम 18 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे बताया गया है बाय रोड्स के बारे में और बाय इनलैंड वाटरवेज। तो क्या बताया गया है पॉइंट नंबर ए में कि अगर आप, तो एंट्री नंबर हम कर रहे हैं ये कौन सी 15 to 17 हमने लास्ट क्लास में करी थी, आज हम 18 to 21 जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, यहां पे गुड्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हम आज कवर करेंगे, तो एंट्री नंबर 18 का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय रोड, बट एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड ए कॉरियर एजेंसी। तो हमारी यहां पे एग्जेम्प्ट है बाय लैंड, एग्जेम्प्ट है बाय रोड, लैंड कह दो या बाय रोड कह दो, ठीक है, बट एक्सेप्ट कौन सी हमारी, कोरियर एजेंसी और जीटीए। जीटीए पे हम ये भी और डिस्कस करेंगे। तो जीटीए हमारे बेसिकली जो भी एजेंट्स है जो गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिनका भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वो हमारी जीटीए में हो गई। सर आज आप थोड़े से ब्लैक नजर आ रहे हो, क्योंकि बेटा ये वीडियो में बड़ी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पूरी रोशनी नहीं आ पा रही है मेरे रूम में। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो कंप्लीट करना है, सितंबर के एंड तक सिलेबस प्लानिंग है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम, तो लेट्स सी। तो चलो, तो एंट्री नंबर 18 ने क्या कह रही है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड कोरियर एजेंसी। तो आप कोरियर एजेंसी हो या गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, तो आपको एग्जेम्पशन जो है वो
नहीं मिलेगी। ठीक है सर। एग्जेम्पशन नंबर 18 का बी पॉइंट कह रहा है कि अगर आप इनलैंड वाटरवेज से करोगे, इनलैंड वाटरवेज, तो ये वाली हमने सेम टू सेम एग्जेम्पशन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में भी करी थी, याद है या नहीं? दिखाऊं मैं क्या दोबारा से? चलो आओ देख लो। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स बाय इनलैंड वाटरवेज, एंट्री नंबर 17 पॉइंट नंबर सी। फर्स्ट दो पॉइंट हमारे रेल से रिलेटेड थे, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हमारा वोटर से रिलेटेड था, एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे रोड से रिलेटेड था। ठीक है सर, रिवीजन होगी थोड़ी सी साथ के साथ, चलो आओ। ठीक है, तो जीटीए, जीटीए क्या होता है? तो मैंने आपको जैसे बताया, एनी पर्सन, मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के बिजनेस में हो, सर्विस प्रोवाइड करता हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की, हु प्रोवाइड्स सर्विस, देखो सर्विस तो प्रोवाइड होना ही चाहिए, सर्विस तो, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी इन केस ऑफ सर्विसेज, ये हम जितनी भी एंट्रीज पढ़ रहे हैं ये सर्विसेज की पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करता है बाय रोड और इशू करता है क्या, कंसाइनमेंट नोट, चाहे उसे वो कंसाइनमेंट नोट बोले, चाहे वो उसे इनवॉइस बोले, चाहे उसे डिलीवरी चलान बोले, कुछ भी बोले, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो किसी भी नाम से बोले वो जीटीए ही कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ पे एग्जेम्प्ट कौन से हो गए? अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है जीटीए पे लग रहा है, कोरियर एजेंसी पे लग रहा है, तो कौन से एग्जेम्प्ट हो गए? ये हमारे ई रिक्शा एग्जेम्प्ट हो गए, ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट हो गए। ठीक है सर, बुलक कार्ट हो गए, ये क्या होता है सर? तो ये बेटा घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी जिसके अंदर सामान लाद के, सामान कैरी करके, सामान रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जीटीए क्या हो गया कि एक तो भैया आप कर रहे हो दो कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, प्लस आप इशू कर रहे हो वहां पे कंसाइनमेंट नोट। ठीक है सर, इफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट इशू कंसाइनमेंट नोट देन इट इज नॉट जीटीए, तो वो जीटीए नहीं कहलाएगा अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, हेंस सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए फॉर रुपीज 5 लाख वेदर इट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, वहां पे जनरली कंसाइनमेंट नोट के रिलेशन में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आईसीआई है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारा बुलॉक कार्ड, आपके ई रिक्शा जो कि कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू करते, तो वो हमारे जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो गए, ऑटो रिक्शा कोई नहीं कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, तो जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा वो इसमें कवर नहीं हुआ। ठीक है सर, सेकंड कोरियर एजेंसी कौन हुई? तो क्या मुझे आपको कोरियर एजेंसी एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यह आपको ऑलरेडी पता है सर, हमें तो ऑलरेडी पता है। हाँ बेटा हाँ, वही मतलब है कोरियर एजेंसी का, वही मतलब है जो आपको पता है। कोरियर एजेंसी क्या करती है सर? हमें कोरियर प्रोवाइड करती है हमारे घर पे बैठ के, हम घर पे बैठे बैठे कहीं पे भी कोरियर भेज सकते हैं, बेंगलोर मुंबई कहीं पे भी, या कोई भी हमें भेज सकता है हमारे घर पे। तो कोरियर एजेंसी वो होती है जो कि एंगेज होती है एनी पर्सन एंगेज किसमें, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज होती है, किसकी, टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स की, या टाइम सेंसिटिव गुड्स की, टाइम सेंसिटिव आर्टिकल्स की। तो वो जो है डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज होती है। कोरियर एजेंसी मीन एनी पर्सन एंगेज इन डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स गुड्स और आर्टिकल्स यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कैरी और अकंपनी सच डॉक्यूमेंट गुड्स और आर्टिकल। तो जो कि यूटिलाइज करती है सर्विसेज ऑफ ए पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि भैया कैरी करो, अकंपनी करो ये डॉक्यूमेंट्स गुड्स और आर्टिकल्स अपने साथ, और जहां पे जिस डोर पे हमें पूछना है पूछा के आ जाओ जल्दी से, हमारा संदेश, हमारा सामान, हमारा गुड्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे आर्टिकल्स
जल्दी से पूछा के आ जाओ। ठीक है सर। कोरियर सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड, भैया एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्शन से हमारा बाहर निकाल दिया गया है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। क्या बोल दिया गया कि भैया आप जो है एग्जेम्प्शन से बाहर हो। ठीक है, तो कोरियर एजेंसी सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन एनी केस, किसी भी केस में एग्जेम्प्ट नहीं है, जीएसटी और जो है वो पेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज में पेबल है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्योंकि जीटीए पे, जीटीए पे जो है हमारा रिवर्स चार्ज लगता है, हमने डिस्कस करा था लास्ट चैप्टर में। तो जीटीए में हमारा रिवर्स चार्ज लगता है, कोरियर एजेंसी पे फॉरवर्ड चार्ज में ही पे होता है। ठीक है सर। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद एंट्री नंबर हमारी कौन सी है? 19। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अगर आप सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर ले रहे हो फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड द इंडिया, मतलब कि आप जो है इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, उसके रिलेशन में अगर आप सर्विस ले रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कहां तक? आप गुड्स मंगा रहे हो आउटसाइड द स्टेट ऑफ, आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो आप कस्टम स्टेशन तक अगर मंगा रहे हो तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो यहां पे गवर्नमेंट का मकसद क्या था देने का कि अगर आप कोई भी सामान कस्टम के थ्रू मंगाते हो बाहर से, तो बाहर वाली एजेंसी अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना है। यहाँ कॉमन सिटीजन को जो भी कस्टम स्टेशन से मंगा रहे हैं गुड्स या बिजनेसमैन मंगा रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये जो है सर्विस एग्जेम्प्ट कर दी गई। अदरवाइज जो भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो उसको क्या जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा और अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिलीज करनी होगी, पे करनी होगी। तो इजिली हमारा जो है इंपोर्ट हो सके यहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एग्जाम कर दिया। तो ये थी हमारी एंट्री नंबर 19। तो सर इंपोर्ट पे हमारा एग्जेम्प्टेड है क्या? क्या हमारा एक्सपोर्ट पे एग्जेम्प्टेड होना चाहिए? बताओ बच्चों, बताओ, एक बार सोच के बताओ कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो एक 19A अमेंडमेंट हुई एक्ट में, एक एंट्री आई नई कि क्या, कि अगर आप इंडिया से आउटसाइड इंडिया गुड्स भेजते हो बाय एयर, तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या बोला गया कि इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और अगर आप बाय एयर भेज रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक और अमेंडमेंट आई, क्या आई एक्ट में, अभी रिसेंटली ही आई थी 19B एंट्री, कि आप अगर वोटर से, वोटर से भेज रहे हो गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, तो वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलो आप देख लेते हैं फटाफट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, देखो एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ठीक है सर। फ्रॉम ए प्लेस, कहां से? फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, और कहां तक? अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का बाय एयरक्राफ्ट, तो उस केस में जो है एग्जेम्प्शन प्रोवाइड हो जाएगी। 19A एंट्री आई, ये रेड में है। रेड का मतलब क्या कि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट है, आप अगर नवंबर 18 के स्टूडेंट्स हो तो ये आपके लिए अमेंडमेंट है। अगर आपने मई 18 में ऑलरेडी क्लास कवर करी हुई है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये फुली कवर्ड विद अमेंडमेंट है हमारी नवंबर 18 के लिए। क्या कहा गया, क्या अमेंडमेंट आई, आओ, कि सर्विसेज बाय वे ऑफ
transportation of goods by an aircraft, एक एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहे हो, ये चीज देखो, एक कंडीशन हुई हमारी एयरक्राफ्ट कहां से, फ्रॉम ए कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरिंग इंडिया, भैया इंडिया से भेज रहे हो टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। देखो जो भी एक्टिविटी गुड्स जाएगा, गुड्स आएगा, तो वो हमारा इंडिया के कस्टम स्टेशन से ही जाएगा और आएगा। अभी हमने देखा था गुड्स इंपोर्ट हुआ तो कहां पे, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इंडिया, गुड्स गया तो कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, ठीक है सर। तो ये एग्जेम्पशन जो है टेम्परेरी बेस पे प्रोवाइड करी गई है, कब तक, सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक। तो अगर 1 अक्टूबर को गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं बाय एयरक्राफ्ट तो वो हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जेम्पशन 19B3, तो 19B है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल, अगर आप वेसल से कर रहे हो उसमें कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एग्जेम्पशन जो है ये भी टेम्परेरी बेस्ड है जो कि 30 सितंबर तक प्रोवाइडेड है। आओ तीनों एग्जेम्पशन का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या एनालिसिस है, आओ। इंडिया से गुड्स जो है बाय एयर और बाय सी, हां जी, तो इंडिया से अगर गुड्स बाय एयर और बाय सी जो है यूएस जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस का एग्जांपल ले रहे हैं हम कि यूएस जाते हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखो ये क्या है, ये हमारा एग्जेम्प्ट है अप टू 30 सितंबर 2018। अब मान लो यूएस से गुड्स इंडिया आ रहा है, यूएस से गुड्स इंडिया आ रहा है, यहां पे बाय सी बाय वेसल आ रहा है, तो उस केस में जो है कोई भी एग्जेम्प्शन प्रोवाइड नहीं करी गई है और ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये बाय एयर आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत सिंपल एग्जेम्प्शन थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंट्री कहती है कि भैया अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल कर रहे हो या वेसल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, तो इंडिया में ही आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो थ्रू रेल और वेसल, यहां पे क्यों, अगर यहां पे टू अनदर नहीं लिखते फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर तो ये एक्सपोर्ट भी कवर हो जाती, तो यहां पे सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कवर कर रहे हैं कुछ एक स्पेसिफाइड गुड की, तो एंट्री नंबर 20 हमारी जो है रेल के लिए है कि आप स्पेसिफाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्पेसिफाइड गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है ये याद रखना, भले ही आप चाहे थ्रू वेसल भी कर रहे हो, तो ये सेम एंट्री जो है हमारी यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। कौन कौन से गुड्स है, आओ एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं ताकि जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, फिर इसका एनालिसिस भी देख लेंगे कि किस तरीके से हम हमारी जो है जीएसटी लायबिलिटी लेवी होगी। तो फर्स्ट, रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर कैलमिटीज एक्सीडेंट और मिसहैपनिंग, तो आप अगर कोई भी रिलीफ मटेरियल, जैसा कि एग्जांपल सर, एग्जांपल अभी केरला का जो एग्जांपल, केरला में फ्लड आई थी अभी, तो अगर उसके रिलेशन में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आपने गुड्स करा है तो वो हमारा जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिलीफ मटेरियल्स आप अगर भेज रहे हो जो कि विक्टिम्स हुए हैं नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर के, वो हमारा नेचुरल डिजास्टर था फ्लड, ठीक है, कैलमिटीज कोई हो गई है नेचुरल या मैनमेड, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, तो उस केस में जो है आपको एग्जेम्प्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो डिफेंस के मटेरियल इक्विपमेंट, डिफेंस या मिलिट्री के इक्विपमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हो, ताकि जो है डिफेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट को कम से कम
इस पे स्पेंड करना पड़े, हर एक गवर्नमेंट जो है कम से कम स्पेंड करे। तो आप अगर अपने डिफेंस के लिए या मिलिट्री के लिए कोई भी इक्विपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऐसे ही न्यूज़पेपर और मैगजीन्स विच आर रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है हमारे न्यूज़पेपर पढ़ सके और न्यूज़ से अपडेटेड रहे। तो ये सारी हमारी न्यूज़पेपर जितनी भी है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, और ये दैनिक जागरण होगी, ये अमर उजाला होगी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और इनकी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है नेचुरल मैनमेड डिजास्टर का, कि ये देखो गुड्स जो है बांट रहे, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन हुई थी, ये जो हाथ में इनके बॉक्स है, ये ट्रांसपोर्टेशन हुई थी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी टैक्स नहीं लगा गया था। ऐसे ही डिफेंस या हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट पे टैक्स नहीं लगा था। फोर्थ, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स। तो अगर आप कोई रेलवे इक्विपमेंट बना रहे हो, ये आप देख सकते हो गए रेलवे के जो है हमारे टायर्स कह लो इनको, या जो भी इनको जेगन्स कहते हैं आई थिंक, तो रेलवे से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट या मटेरियल जो है वो हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे पॉइंट नंबर डी में। फिफ्थ पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आप ट्रांसफर कर रहे हो मिल्क, सॉल्ट, आप एंड फूड ग्रेन्स। तो मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो बाय रेल और बाय वेसल, तो ये हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग फ्लोर फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में फ्लोर इंक्लूड कर दी, पल्सेस इंक्लूड कर दी और राइस इंक्लूड कर दिया। ठीक है बेटा, तो राइस की ट्रांसपोर्टेशन इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। राइस की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे एग्जेम्प्ट है? एंट्री नंबर 20, मिल्क, सोल्ट एंड फूड ग्रेन, तो यहाँ पे है ही। फूड ग्रेन के अंदर हमारा फ्लोर, पल्सेस और राइस इंक्लूड हो गए। और एक ऑर्गेनिक मैन्योर, तो हमने कितने पॉइंट देखे? 7 पॉइंट्स देखे, एक रिलीफ मटेरियल, एक डिफेंस, यहाँ पे रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, न्यूज़पेपर, रेलवे इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मेन्योर। तो ये सारे गुड्स जब भी ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी, ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे बाय रेल और वैसल, ये हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन एग्जेम्प्ट कब होएंगे? जब ये गुड्स जो है फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करे जा रहे, तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही एग्जेम्प्ट होगी। ये देखो एनालिसिस में हमने क्या लिखा है, एग्जेम्पशन इज ओनली ओनली को मार्क कर लेना, और मार्क कर लेना किसके लिए? डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को। तो ओनली अवेलेबल है ये डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है सर। तो ये कौन सा टाइप है हमारा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम कर रहे हैं कि, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर हमारा एज ए रिलीफ मटेरियल जाता है, जो हमने पॉइंट नंबर ई पढ़ा, हमने पॉइंट नंबर ई पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहाँ पे पॉइंट नंबर ई लिख लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ई पॉइंट के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एज ए रिलीफ मटेरियल जाता है, तो चाहे वो रिलीफ मटेरियल की तरह चाहे, चाहे वो अदर देन रिलीफ मटेरियल चाहे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वो जो है हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी प्रोड्यूस जाता है, जैसे कि हमारे रिलीफ मटेरियल या फिर स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स कौन से? डिफेंस, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरफ, डिफेंस, न्यूज़पेपर, रेलवे इक्विपमेंट, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मेन्योर। तो ये आप फाइव फाइव स्पेसिफाइड गुड्स जो है ब्रैकेट में साइड में आप लिख सकते हो, आप इन डिटेल लिख सकते हो कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है। डिफेंस, न्यूज़पेपर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को अलग से कवर कर चुके हैं, रिलीफ मटेरियल को कर चुके हैं, उसके अलावा रिलीफ मटेरियल में कोई भी हो सकता है, स्पेसिफाइड गुड्स ये पांच है, डिफेंस, न्यूज़पेपर, रेलवे, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये 5 पॉइंट्स है हमारे। तो इस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ भी ट्रांसपोर्ट हुआ, वो हमारा जीएसटी पे होएगा उस पे, अगर वो बाय रेल और बाय वेसल ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
बाय रेल एंड बाय वेसल। ठीक है सर, तो ये तो हमने देखा था कि ऐसे कौन से गुड्स है जो अगर रेल और वेसल से जाएंगे तो एग्जेम्प्ट होएंगे। यहाँ पे रेल करा, वेसल करा, बट अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 21, जो कि बताएगी कि अगर आपने बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट किया है तो ये स्पेसिफाइड गुड्स है कुछ जो वहां पे बताए जाएंगे जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, आओ देख लेते हैं कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है। अगर हम बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यहाँ पे देख लो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अभी हमने करा था क्या कि भैया बाय रोड आप भेजोगे तो एग्जेम्प्ट है, बट एक्सक्लूडिंग जीटीए और कोरियर एजेंसी। अब इसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीटीए से भी चला गया तो क्या एग्जेम्प्शन है हमारी। ठीक है सर, तो फर्स्ट वन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमने अभी डिस्कस करा था, किसमें ऊपर वाले पॉइंट में, लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थे वो रेल और वेसल से हो रहे थे, तो यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी भी मोड से जाए बाय रेल बाय वेसल बाय रोड वो हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एग्रीकल्चर गुड्स अगर एयर से जाएंगे तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि क्या होगा। ठीक है, और अगर आगे भी कुछ नहीं देखे तो क्या हो जाएगा, मान लो कुछ भी नहीं है तो टैक्सेबल ही है सर, टैक्सेबल ही है। ठीक है, जनरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा एयर के थ्रू जाता नहीं है क्योंकि काफी क्वांटिटी में होता है, अगर एयर के थ्रू जाएंगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरिज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इन्हें गुड कैरिज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम कर रहे हैं या फिर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट जो कंसिडरेशन है उस ट्रांसपोर्टेशन की, कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड ₹1500। अगर हम सिंगल जो है हम सिंगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम पूरा के पूरी बुग्गी पूरी की पूरा जो ट्रक है पूरा का पूरा जो हमारा हम छोटा हाथी बोलते हैं जनरली मार्केट में इसको, तो पूरा का पूरा अगर हम बुक करा रहे हैं जीटीए के थ्रू और उसकी कंसिडरेशन एक्सीड नहीं होती 1500 तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या फिर मल्टीपल कंसाइनमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, सिंगल कंसाइनमेंट नहीं हो रहा, तो अगर जो है मल्टीपल कंसाइनमेंट हो रहे हैं और एक कंसाइनी का जो कंसिडरेशन है वो हमारी कंसिडरेशन जो हम चार्ज कर रहे हैं जो हमारी 750 एक्सीड नहीं करती, उससे कम है तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बाकी बेटा जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे हमने एंट्री नंबर 20 में वही सेम टू सेम हमारे आ जाएंगे, देखो आओ चलो देखते हैं। तो हमने देखा अभी तक एग्रीकल्चर गुड्स, अब देखते हैं बाकी सात में से, टोटल सात थे बाकी छह, एक तो कवर हो गया, बाकी छह में से कौन कौन से कवर हो रहे हैं। ठीक है सर, तो मिल्क सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स ये हम कवर कर चुके, ऑर्गेनिक मेन्योर न्यूज़पेपर रिलीफ मटेरियल्स डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, तो ये सारे हमारे जो है अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बाय गुड्स करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉमन आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेल वेसल एंड जीटीए विच आर एग्जेम्प्ट, कौन कौन से कॉमन आइटम्स है आओ फटाफट देख लो, एग्रीकल्चर गुड्स फ्लोर पल्सेस राइस न्यूज़पेपर मैगजीन लेकिन रजिस्टर्ड डिफेंस रिलीफ मटेरियल्स ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये हमारे कुछ ऐसे कॉमन थे दोनों ही एंट्रीज में ही है। हम एनालिसिस कर रहे हैं, एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर हम कर रहे हैं बाय रेल वेसल एंड जीटीए, तो अगर बाय रेल और वेसल कर रहे हैं तो हमारा, तो ये जितने पॉइंट्स अभी तक हमने करे ये थे कॉमन पॉइंट्स जो कि कवर हो रहे थे हमारे दोनों एंट्रीज में। अब आगे जो हम कर रहे हैं ये दोनों जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एंट्री नंबर 20 और 21 में डिफरेंस है, क्या है कि एंट्री नंबर 20 में जो कवर हो रहा है वो हो रहा है हमारा कि बाय रेल और वेसल से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं किस चीज की, रेलवे इक्विपमेंट की, रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल की कर रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा एंट्री नंबर 21 में। तो यानी अगर हम रेलवे इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बाय जीटीए तो वो हमारा उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा और एग्जेम्प्शन प्रोवाइड नहीं होगी।
एंट्री नंबर 21 में क्या डिफरेंस है कि आप गुड्स भेज रहे हो और जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज है कंसाइनमेंट का ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल गुड्स कैरेज, एक सिंगल गुड्स कैरेज में एक सिंगल कंसाइनमेंट जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे जो है जो अमाउंट चार्ज कर रहा है ग्रॉस अमाउंट चार्ज वो एक्सीड नहीं करना चाहिए ₹1500। और अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में एक्सीड नहीं करना चाहिए ₹750। तो ये एनालिसिस है कि कॉमन गुड्स वहां पर है और ये दोनों डिफरेंट गुड्स है, एंट्री नंबर 20 एंड एंट्री नंबर 21 की। आपको प्रॉब्लम ना हो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं क्या। तो जितनी भी हमारे नॉन स्पेसिफाइड गुड्स, हमने स्पेसिफाइड गुड्स कवर कर लिए ऊपर, ये हमारे स्पेसिफाइड गुड्स थे, 6 थे स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है, जितने भी हमारे नॉन स्पेसिफाइड गुड्स हैं उनसे जो एग्जेम्पशन है वो लिंक है फ्रेट लिंक, मतलब कि हमारा जितना भी हम किराया दे रहे हैं, हम फ्रेट पे कर रहे हैं, उससे लिंक है हमारी एग्जेम्पशन। कि भैया क्या कि अगर आप वन कंसाइनमेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सिंगल कंसाइनमेंट, ट्रक के अंदर एक ही कंसाइनमेंट है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो एग्जेम्प्ट भी होगा जब वो कंसिडरेशन जो है up to 1500 होगी। और अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट का केस है तो वहां पे एग्जेम्पशन जो है तभी मिलेगी जब कंसिडरेशन जो है वो up to ₹750 है, यानी 750 से अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो जीएसटी पेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं और इसको फटाफट से खत्म करते हैं। चलो डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गौरव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गौरव जीटीए है एक जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाय रोड। ठीक है सर, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन सिंगल गुड्स कैरेज, सिंगल गुड्स कैरेज है, बताओ टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्ट? 1500 से ऊपर सर टैक्सेबल कैसी बात करते हो। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैरेज वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन ए सिंगल गुड्स कैरेज डज नॉट एक्सीड ₹1500। मैं बहुत जल्दी रीड कर गया आई नो, लेकिन आप आराम से रीड कर लेना, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, बताओ इस पे तो जीएसटी लग जाएगा। हाँ सर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये अगर सिंगल गुड्स कैरेज में है तो एक्सीड कर रहा है। अरे नलायक को, स्पेसिफाइड गुड्स हमने डिस्कस किया था कि अगर स्पेसिफाइड गुड्स है तो वो एग्जेम्प्ट हमारा जो है हो जाएगा, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी, अगेन सिंगल कंसाइनी आ गया, लेकिन किराया देखो कितना है ₹500, 500 की पत्ती, तो 750 से कम हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जेम्प्शन प्रोवाइड हो गई। ठीक है, ये रीजन है टैक्सेबिलिटी के, कि रीजन है टैक्सेबल है नहीं है, आप इसको रीड कर लेना, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा? तो डिफेंस इक्विपमेंट में एक छोटा सा चेंज है, यहां पे सिंगल कंसाइनी की जगह यहां पे मल्टीपल कंसाइनी कर लेना, क्योंकि क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन हमने रीजन दिया यहां पे क्या दिया कि एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैरेज ओनली वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड ₹750। तो वैसे भी चाहे ये सिंगल हो चाहे ये मल्टीपल हो, ये एग्जेम्प्ट तो है ही, लेकिन रीजन बिंग 750 हमने प्रोवाइड करा है आंसर में, तो इसको आप 7 मल्टीपल कंसाइनी कर लेना काट के। ठीक है सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ये हमारे एग्जेम्प्ट थे ही। ठीक है, अब एक दोबारा से एनालिसिस कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने ऊपर वाली लास्ट वाली एंट्री का करा था, कैसे करा था कि एग्रीकल्चर गुड्स है एग्जेम्प्ट, रिलीफ मटेरियल अदर्स है एग्जेम्प्ट, ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर गुड्स है कहा गया ये रहा एग्रीकल्चर गुड्स है, एग्रीकल्चर गुड्स रिलीफ मटेरियल्स के लिए हो रहे हो चाहे अदरवाइज हो रहे हो, देखो चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो रहे हो हमें नहीं मतलब, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया रिलीफ मटेरियल एग्रीकल्चर गुड्स सेंट फॉर रिलीफ मटेरियल, तो आप एक्सप्लेनेशन
गलत ना लिख दो, आप दोनों एक्सप्लेनेशन लिख देना चाहे, और चाहे आप सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाली लिख दोगे, रेलिवेंट जो है वो हमारी टोटली एग्जेम्प्ट कर देगी, चाहे वो रिलीफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हो रिलीफ मटेरियल्स के पर्पज से, चाहे वो अदर्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स के अलावा होगा तो रिलीफ मटेरियल है तो हमारा जीएसटी एग्जेम्प्ट। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जीएसटी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेट, चाहे फ्रेट कितना भी हो। जैसे हमने देखा था डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हो रही थी, 50,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बताओ इतना बड़ा एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट, ठीक है सर। और अगर नॉन स्पेसिफाइड गुड्स है इनके अलावा, यहाँ ब्रैकेट में आप स्पेसिफाइड गुड्स ऊपर से देख के लिख लेना जिस तरीके से मैंने लिखवाए थे कि डिफेंस है और जोन जोन से भी प्रोडक्ट्स है, आप प्लीज लिख लीजिएगा। नॉन स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो सब्जेक्ट टू फ्रेट अमाउंट हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या है कि सिंगल है तो अप टू 1500, यहाँ पे भी चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो 1500, और इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है तो अप टू, सिंगल कैरिज है मतलब एक ही बंदे के जा रहा है तो 1500, और कंसाइनमेंट बेस पे कि मल्टीपल कंसाइनमेंट है और आपका इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है वो अप टू 750 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर ले या आप खुद से कर लोगे, जल्दी से बताओ? सर हम खुद से कर लेंगे। नहीं सर हम खुद से नहीं करेंगे, आप ही करा दो। चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी, हमें कंप्यूट करनी है, ठीक है कंप्यूट कर देंगे। क्या है, हमें टैक्सेबिलिटी बतानी है, जितनी भी टैक्सेबिलिटी जो जो से भी टैक्सेबल है उनके अमाउंट्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे जैसे कि, तो उस अमाउंट पे हम अगर टैक्स रेट 5% लगा देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारा टैक्सेस आ जाएगी, ठीक है। चलो आओ हाइड कर देते जैसे हम कल लास्ट क्लास में कर रहे थे फटाफट से। अब आगे क्या बात हो रही है, बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड अफेक्टेड एरिया। देखो रिलीफ मटेरियल अगर आप कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोस्टल मिल्स एंड पोस्टल बैग्स, तो ऐसी कोई क्या हमने एग्जेम्प्शन पढ़ी थी पोस्टल मेल और पोस्टल बैग्स, तो ये हमारा जो है टैक्सेबल हो जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या स्पेसिफाइड गुड्स में आता है तो ही एग्जेम्प्ट होगा, देखो स्पेसिफाइड गुड्स में आ रहा है तो, ऐसा कुछ भी नहीं आया टैक्सेबल। हाउसहोल्ड इफेक्ट्स क्या आ रहा है, नहीं टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क यस आ रहा था, टी एंड शुगर कहीं पे भी नहीं आ रहा था तो ये हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये टैक्सेबल होती। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज, भैया अल्कोहल ट्रांसपोर्ट हो रही है क्या, आप सोच के देखो आप कि क्या गवर्नमेंट इस पे एग्जेम्प्ट करना चाहेगी, आपका सीधा और सीधा आंसर एक ही आएगा, नहीं सर ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्शन में आ रहा था, आओ आंसर चेक कर लो क्या थे, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल 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 एग्जेम्प्ट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, चलो डन। अब हमारी लास्ट एग्जेम्प्शन बची है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, और इसी के साथ हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारी एग्जेम्प्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है सर। अब इस एग्जेम्प्शन ये देख रहे हो पूरा रेड पार्ट है, तो यानी कि ये फुली अमेंडेड है। इस अमेंडमेंट के लाने के पीछे पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है। हमने लास्ट चैप्टर में आरसीएम करा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यस सर करा था। क्या हमने करा था कि अगर जीटीए की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी जाती है फैक्ट्री सोसाइटी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट, थोड़ी सी हैंडराइटिंग सर खराब हो रही है, हाँ बेटा हाँ ये नया पैड लाना पड़ेगा मुझको, कोई बात नहीं ले आएंगे जैसे जैसे टाइम चलेगा, चलो ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन थे जिनको अगर हम जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता था।
जीटीए को कोई फिक्र नहीं होती थी अगर वो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर जीटीए मान लो, ये तो ऑलमोस्ट हो गए सब बड़े बड़े पर्सन, छोटे पर्सन को जो कि एक अनरजिस्टर्ड है अगर उसको प्रोवाइड करता था तो जीटीए को क्या करना पड़ता था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स चार्ज करना पड़ता था और उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था जबरदस्ती। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या करा कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या मैं आपको एक बार आरसीएम वाला दिखा दूं लास्ट चैप्टर के नोट्स में, मैं फटाफट से इतने में ओपन करता हूं लास्ट चैप्टर का नोट्स। चलो आओ हम आगे। तो यहां पे हमने डिस्कस करा था लास्ट चैप्टर में, क्या डिस्कस करा था कि जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, किस किस को, रेसिपिएंट कौन है, एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो टीटी में लोकेटेड है, टीटी खेल रहा है, टीटी कौन से पर्सन, फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इन पर्सन में से कोई भी अगर रेसिपिएंट है तो हमारा रिवर्स चार्ज लग जाएगा और अगर जीटीए जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था या फिर वो उनको सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर रहा था। ठीक है, तो उन सब हर्डल्स को दूर करने के लिए क्या अमेंडमेंट आई कि सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बाय द जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। भैया आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि क्यों इसको यहां इंक्लूजिंग में डाल दिया, क्योंकि यहां पे देखोगे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑलरेडी हमारा जो है अगर इसको प्रोवाइड कर रहे थे तो वो रिवर्स चार्ज में आ रहा था। ठीक है बेटा, तो इसलिए वहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि आप अगर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अदर देन दी फॉलोइंग रेसिपिएंट। कौन कौन से फॉलोइंग रेसिपिएंट जो हमने वहां डिस्कस कर रहे थे भैया, कौन कौन से, फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दी जीएसटी लॉ। तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी बेटा। जल्दी से ये इतनी ऊपर क्यों भाग गया, हम तो एग्जाम्पल कर रहे थे, अभी समरी पे नहीं जा रही, अपने आप ही भाग गया। रुको एग्जाम्पल जीटीए सर्विस टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड है जैसे कि हमारा सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है भैया, 0% है वो गुड्स, तो वो उस केस में हमारा जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हमारा रजिस्टर्ड है तो जो भी सप्लायर हमारे अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अलावा कोई भी सप्लायर है तो उस केस में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा और आपको जीएसटी जो है एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये हाँ हमारी एग्जेम्प्शन जो थी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, सर गुड्स एंट्री नंबर 18, 19, 19A, 19B, 20, 21 और 21A। तो यहां फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, एंट्री नंबर 18 रोड से एग्जेम्प्ट है बाय रोड एक्सेप्ट कोरियर एंड जीटीए, एंट्री नंबर 19 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंट्री नंबर 19A हमारी आउटसाइड इंडिया आप कर रहे हो 19A, 19B बाय वेसल कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, ठीक है 20 में अगर बाय रेल और बाय वाटर जो है स्पेसिफाइड गुड्स डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हो तो हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऐसे ही 21 स्पेसिफाइड गुड्स बाय रोड हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 21A बाय जीटीए का ही क्या आया भाई कि भैया अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से रिविजन भी हो गई और फटाफट से ये समरी जो है ये भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया बाय एयर कर रहे हो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है तो जीएसटी आपका पेबल होएगा, डोमेस्टिक है इंपोर्ट कर रहे हो एग्जेम्प्ट होगा कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 19, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एंट्री नंबर 19A
और अगर यही आप एक्सपोर्ट अगर किससे कर रहे हो, बाय वोटर कर रहे हो, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर और बाय वाटर में ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्ट होएगा अप टू 30 सितंबर। इम्पोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको अलग से मार्क कर लेना, यहाँ पे जीएसटी जो है पेबल हो जाएगा। एग्जाम में आप जब इतना सारा सिलेबस होगा, आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क बना लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मैं अपने सीए एग्जाम्स के टाइम यही करता था, जहां पे भी प्रॉब्लम होती थी मैं स्टार मार्क बना लेता था, और जब भी रिवीजन करता था मैं उसको जरूर देखता था एक बारी। ठीक है सर। बाय वाटर आप अगर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन करें तो देखो एग्जाम थी, मैंने आपको कंपेयर भी करके दिखाया था कि भैया ये वाली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में भी टोटली टोटली हमारी एग्जाम थी। 17/B कौन सी थी? 17B ही थी। आओ फटाफट देख लेते हैं। 17C थी, 17C। ठीक है, तो 17C थी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, एंट्री नंबर 18 है अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन करते हो स्पेसिफाइड गुड्स की करोगे तो भैया एग्जेम्प्ट हो जाओगे, और अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स की करोगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाय रेलवे करते हो, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कुछ स्पेसिफाइड गुड्स की करते हो तो ही एग्जेम्प्ट होगी। आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन अगर अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स की करते हो तो जीएसटी पेबल हो जाएगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बताइएगा कि ये आपको जो समरी में करवा रहा हूं एट द एंड, क्या आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगी, क्या आपको ये सही लग रही है समरी, क्या मुझे ऐसी ही समरीज आगे भी चैप्टर्स में इंक्लूड करनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं सर समरी तो हम बना लेंगे आप सिर्फ चैप्टर करा दो, तो बताना आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कि आपको ये समरीज कैसी लग रही है। ठीक है सर। बाय रेलवेज आप अदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया से चाइना में गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया एयर की तरह। बाय लैंड कोरियर कर रहे हो तो जल्दी से बताओ, हमने पढ़ा था कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 18 में, कि भैया कोरियर से कर रहे हो तो वो पे करना पड़ेगा, एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है सर। बाय जीटीए कर रहे हो, स्पेसिफाइड पर्संस को कर रहे हो तो वो एग्जाम्ड एंट्री नंबर 21 है। देखो स्पेसिफाइड पर्संस, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन कौन से थे? अनरजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तो हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एंट्री नंबर कौन सी, किसको काट के लिखिएगा? 21A, कैप्स ए, यहाँ पे स्मॉल ए हो गया, कैप्स ए है ये हमारा। ठीक है सर। इनके अलावा किसी पर्सन को करोगे स्पेसिफाइड गुड्स करते हो तो एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स करते हो और वो अगर फ्रेट लिमिट के विदिन है, विदिन है यहाँ पे विदिन करना, ठीक है, विद इन, तो वो हमारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, अदरवाइज जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी स्पेसिफाइड पर्सन, मैंने देखो यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वो कौन है? सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है सर। तो आई होप हमारी जो ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स दोनों ही कंप्लीट हो गई है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लग रही है वीडियोस, कैसे लग रहे हैं नोट्स, और क्या लग रहा है कि हम क्या कंप्लीट कर पाएंगे सितंबर एंड तक जो, या अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर 10 तक। मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर प्लीज ट्राई करिएगा कि अक्टूबर 10-15 तक प्लीज कंप्लीट करा दीजिएगा, नवंबर में हमारे पेपर है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल अपना 100% दे रहा हूँ कि मैं जो है कंप्लीट करा सकूँ आपका सिलेबस। चलो दोस्तों, इसके साथ मैं यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम फटाफट से लेकर आएंगे आपके लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रोज एक कम से कम वीडियो डालूं, और कोशिश आने वाले टाइम में ये भी करूंगा कि दिन में 2 से 3 या 4 वीडियो डालूं, तो देखते हैं कैसे वो प्लान हो पाएगा, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। प्लान तो करा हुआ है, लेट्स सी हाउ आई एग्जीक्यूट देम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।